अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद खान और आप देख रहे हैं आरके अनबॉक्सिंग चैनल। आज जिस मोबाइल की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं वो है वीवो का वाई 15। वो 4GB और 64GB के साथ आ रहा है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे हैं तो मेरे फेसबुक को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। डब्बे को ओपन करने से पहले आपको बता दूं कि डब्बे के ऊपर लिखा है वीवो वाई 15, 5000 mAh की बैटरी, 4GB रैम, 64GB मेमोरी। और बैक साइड पे आपको बताता चलूं, ऑल ट्रिपल कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 6.35 हीलियो पी फुल डिस्प्ले। और अब चलते हैं, डब्बे को ओपन करते हैं। कटर मैंने पकड़ लिया जी, एक साइड पे कट लगा देते हैं, फिर दूसरी साइड पे, फिर ऊपर वाली साइड पे, फिर नीचे वाली साइड पे, साइड वाली, फिर नीचे वाली साइड पे लगा देते हैं जी। रैपर को कर लेते हैं साइड पे और मोबाइल को बाहर निकालते हैं, डिब्बे को खोलते हैं, डिब्बा खोलते हैं जी। लीजिए, डब्बा खुल चुका है और ये निकाल लेते हैं। कुछ इसमें सिलिकन केस होगा, शायद कुछ पेपर वर्क होगा। और ये देखिए जी, सिलिकन केस है, नॉर्मल सिलिकन केस है आपके सामने ही है, और कुछ पेपर वर्क है। ये साइड पे कर लेते हैं सिलिकन केस को भी, और डिवाइस पकड़ लेते हैं, डिवाइस को निकाल लेते हैं डिब्बे से। डिवाइस आ गई है, और डिवाइस को रैपर से बाहर निकाल लेते हैं और कर लेते हैं ऑन। मोबाइल डिवाइस ऑन हो चुकी है और ये वीवो का लोगो आ गया। जब तक मोबाइल ऑन होता है तो आपको डिब्बे में और चीज़ें, ये कुछ आईएमई स्टिकर है डिब्बे में नज़र आ रही जी। एक चार्जिंग केबल जो कि माइक्रो यूएसबी है जी, हाँ माइक्रो यूएसबी की केबल है। और ये आपके सामने है माइक्रो यूएसबी, और एक अडाप्टर है जो कि मेरा ख्याल है 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर का होगा जी, हाँ 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर का चार्जिंग अडाप्टर है वीवो का। फास्ट चार्जिंग तो नहीं करेगा लेकिन ठीक है, और काफ़ी कंपनियाँ जो अब फास्ट चार्जिंग अडाप्टर दे रही हैं लेकिन वीवो ने दिया है जी 5 एम्पीयर और 5 वोल्ट और 2 एम्पीयर का चार्जिंग अडाप्टर। मोबाइल फ़ोन हो चुका है ऑन, और इसकी कर लेते हैं अब जल्दी से सेटिंग, और सेटिंग कर लेते हैं जल्दी 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 से इसकी सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग कंप्लीट होती है तो फिर आपको मोबाइल के बारे में और फीचर बताते हैं। जी हाँ, ये सेटिंग हो चुकी है कंप्लीट। डिवाइस आपके सामने है और कलर डिवाइस के काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है मोबाइल का। और ये सामने जो है फ्रंट पे दिया गया है जी 16 MP कैमरा, और ऊपर है जी एयर पीस की ग्रिल है। और साइड पे है जी एक वॉल्यूम अप डाउन, और नीचे है पावर की। इस साइड पे है जी सिम ट्रे, बाद में आपको निकाल के दिखाते हैं। और नीचे की तरफ आ जाती है जी एक रिंगर ग्रिल, माइक्रो यूएसबी की चार्जिंग पोर्ट, 3.5 mm हैंडपिक जैक और माइक। और बैक साइड पे जी नीचे की तरफ आ जाता है जी 13 MP कैमरा और 8 MP कैमरा, और ऊपर है जी डेप्थ सेंसर। और नीचे की तरफ आ जाती है एलईडी लाइट, और ये आ गया जी फिंगरप्रिंट सेंसर है। और नीचे वीवो का लोगो है, और कलर काफ़ी अच्छा है इसका मोबाइल का, डिस्प्ले कलर भी काफ़ी अच्छा है। मोबाइल के बारे में और बताते चलते हूँ आपको। सेटिंग मैंने ओपन कर लिया, सेटिंग ओपन की सेटिंग में गया हूँ। उसके बाद इसकी देखते हैं जी अबाउट फ़ोन को ढूंढते हैं, उसमें कुछ आपको बताते हैं कि सॉफ्टवेयर में क्या दिखाया गया जी, सॉफ्टवेयर में क्या बताया गया सेटिंग में। अबाउट फ़ोन ये आ गया जी ऊपर, अबाउट फ़ोन, और
मॉडल नंबर लिखा गया है, 2 IMEI नंबर सिम के बताए गए हैं जी, और 4 GB रैम है, 64 GB मेमोरी है, क्वाड कोर है जी चैप्टर, और जी एंड्रॉयड जो है इसमें 9 पाई है, 9 पाई एंड्रॉयड 9 पाई है गो एडिशन के साथ, और सेटिंग हो गई है चेक कर लिया जी। अब आपको बता देते हैं इसका बैक कैमरा, इसकी एक पिक्चर ले लेते हैं और इसका आपको रिजल्ट बता देते हैं। कैमरे की तरफ से मेरा ख्याल इतना मुश्किल नहीं, उनके कैमरे वीवो के सबके अच्छे ही होते हैं, और पिक्चर मैंने ले ली है और कलर काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं पिक्चर के, डब्बे की एक पिक्चर ली है और मेरा ख्याल है अच्छी अच्छी फी अच्छी नज़र आ रही है पिक्चर, और कैमरा अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त कैमरा है, बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल है, और इसकी एक तस्वीर लेके आपको दिखा देते हैं जी। और तस्वीर भी तो कैमरे की जूम कर रहा हूँ अभी, पिक्चर ओपन करते हैं जी, पिक्चर मैंने कर ली है ओपन और तस्वीर भी काफ़ी अच्छी आई है, फ्रंट कैमरा भी बहुत आला है इसका वीवो का। हम चेक करवाते थे आपको जी इसका फेस अनलॉक काफ़ी फास्ट है जी, काफ़ी फास्ट है फेस अनलॉक इसका, जिस तरह वीवो की डिवाइस के सबके आ जाते हैं। और आपको फिंगरप्रिंट सेंसर चेक करवा देते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर भी काफ़ी फास्ट है और एकदम से ओपन हो जाता है जी मोबाइल, फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है मोबाइल, ये डिवाइस काफ़ी अच्छी है जी इस प्राइस टैग में, 24,000 की ये है। और मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।